किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल में खाए खाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए। डिस्को में जाकर टांगे हिलाते हैं और होटल में जाकर पेट बिगाड़ते हैं। अगर इश्क लड़ाना है ना तो चलो ना कुछ कुछ होता है देखने जाते हैं। बोली ये मुंह खोले बगैर जी नहीं सकती। तुम अगर दिल खोल कर बात करो ना तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। हाँ, अभी दिल खोलने के लिए कोई बचा ही नहीं जो तेरे सामने दिल खोलूंगा। कुछ नहीं है, ये मेरा बैग और पर्स दे दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, आपसे मेरी एक विनती है। तेरी विनती है? उसकी ऑर्डर होती है, तेरी विनती होती है, वो क्या विनती है? सुनिए, आज से आप एक हफ्ता तक ट्रेन की बजाय बस में जाइए। क्यों? क्योंकि आजकल शहर में भाई लोगों के बीच में बहुत मचमच चल रही है। आए दिन गोलियां ऐसे चलती है जैसे दिवाली के दिनों में पटाखे चलते हैं। तो इसके लिए ट्रेन छोड़कर बस में जाने की क्या जरूरत है? अरे डैडी, आपने अखबार नहीं पढ़ा क्या? बांद्रा स्टेशन पे शूट आउट हो गया और दो निर्दोष लोग घायल भी हो गए। और आपकी किस्मत भगवान की दया से इतनी कमजोर है कि अगर आप ऊंट पे बैठ के भी जाओगे ना तो आपको कुत्ता काट लेगा। देखो, तुम जैसे तूफानों के बीच रहकर मैं जिंदा हूँ, मुझे गोली वोली कुछ नहीं लगेगी। एक लंगड़ा 11वीं मंजिल से गिरा तो उसकी टांग ठीक हो गई। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर लंगड़े को 11वीं मंजिल से धक्का मार दो। अरे बाबा, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मर जाते हैं। हाँ, हमारी सरकार न्यूक्लियर ब्लास्ट करके ओवर कॉन्फिडेंस में बैठ गई ये सोचकर कि अभी कोई परेशानी नहीं है। पता चला प्याज के भाव ने परेशान कर दिया है। ठीक है ठीक है, दिल्ली के तट तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग कहते हो तो मैं बस से जाता हूँ। बस डैडी, आप मुझे एक बात बता सकते हैं? बोलो बोलो। एक बस कंडक्टर कितने देर बस में रहता है? क्या 7-8 घंटे रहता होगा, और क्या? एक बस कंडक्टर 24 घंटे बस में रहता है, 8 घंटे BEST के बस में रहता है और बाकी के 16 घंटे अपने बीवी के बस में रहता है। ए, कोई तुम्हारे जैसे जोरू के गुलाम बस कंडक्टर की बात कर रही है। समझ गया। चुप कर। समझ जा रहा है? क्रिकेट का बॉल है क्या फेंक रही हो? ओ माय गॉड, क्या हुआ? ए, पासों के 2 नोट है सिर्फ इसमें, पर कंडक्टर हमेशा झगड़ा करता है झूठे देने में। तो 500 के झूठे करवा लीजिए। अरे वही तो मुसीबत है ना, बीच में 500 की नोट कैंसिल होने वाली ऐसी अफवाह उड़ी थी, तब से कोई 500 की छूटे देता ही नहीं। आपको 500 के छूटे चाहिए? हाँ। आइए मेरे साथ। आइए। तेरे पास है? हाँ। कहाँ से है तेरे पास? आपको छूटे चाहिए ना? तो तेरे पास कहाँ से है बोलना पड़ेगा? आपको छूटे चाहिए कि नहीं, आपको क्या मतलब है? लाइए। दे दे। आप पहले लाइए। तू पहले दे ना छूटे। पहले आप दीजिए ना नोट मुझे। ये ले। ये लीजिए 400 रुपए। 400 रुपए? हाँ, 20 रुपए मेरा कमीशन, 80 रुपए बाद में ले लेना। बोलो, 500 रुपए के छूटे लेने में 100 रुपए की कलई हो गई। अरे डैड, फिर भी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ ना, 100 रुपए का तो छुट्टा देने नहीं वाला कंडक्टर। हाँ वो तो है, तो छुट्टा नहीं देगा, वो इसके छुट्टे करवाने पड़ेंगे। हाँ देती हूँ ना मैं देती हूँ छुट्टा। तेरे पास है? हाँ है ना। तो दे। आप पहले दो। थैंक यू। ये ठीक है, 100 रुपए के छुट्टे सिर्फ 50 रुपए? हाँ, 15 रुपए मेरा कमीशन और 35 रुपए बाद में ले लेना। बाप का राज है क्या? ए डैड, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मीनाक्षी ने 80 रुपए रख लिए तो कुछ नहीं, मैंने 35 रुपए क्या रख लिया, आपने तो बवाली मचा दिया। अरे लेकिन इस 50 रुपए पे छुट्टे नहीं देगा ना कंडक्टर। अरे बापो, अपन आपको छुट्टा देता है, इधर दो। इस घर में मेरे सिवा सबके पास पैसे होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं इनके पास पैसे। छुट्टा देगी ना तू? कमीशन नहीं खाएगी। भाई लोग कमीशन नहीं खाता है, खोपड़ी पर बंदूक रखकर फलक से निकाल लेता है क्या? चल, छुट्टे पैसे दे। पहले 50 का नोट ढीला करो। तेरी तू, ये ले। ये लो। हाँ। अरे ये तो 10 का नोट है। बाकी का 40 शाम को ले लेना। This is not fair. ये, अरे ये नोट भी फटा हुआ है। क्या बोल रहे हो? हाँ, इसकी जात को, ये तो फटा हुआ है। ठीक है, पूरा 50 शाम को ले ले। अरे शाम को क्यों, अभी क्यों नहीं? सुबह सुबह जेब में आए लक्ष्मी को ठुकराना बच्चगुनी होता है। बोलो, 200 रुपये का नुकसान करके बस के टिकट का सवाल वही का वही रहा। डैडी, ये बस के टिकट के लिए कितने पैसे लगते हैं? 7 रुपये। ये ला 7।
है। घूमो फेरो ऐश करो, बस में ऊपर नीचे नीचे ऊपर करो, और जब छुट्टे पैसे वापस मिल जाए तो मुझे लौटा देना। देखा देखा, इसे हम हटेली कहते हैं, लेकिन कितनी समझदारी की बात की इसने। देखा, अब आप भी एक समझदारी का काम करो। क्या? ये 200 रुपए मुझे दे दो, मैंने भी एक सैंडल देखी है, बाकी के पैसे तो है मेरे पास, बस ये 200 कम पड़ रहे थे। कितने की है सैंडल? 225 रुपए की। 25 रुपए है मेरे पास, 200 कम पड़ रहे थे, 100 आपने दे दिए। सुबह सुबह सबने मिलके मुझे पीतल का बर्तन समझ के मेरी कलई कर दी। बापू, 100 रुपया ढीला करो। क्या इतना बड़ा? क्या, जब मैंने 7 रुपए दिए तब तो बड़े प्यार से ले लिए, 100 रुपए की मामूली रकम के लिए 200 किलोवाट का क्या? ले 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 ले, तू भी लूट ले मुझे। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, खुद को आईने में देखा होगा। शट अप! कमाल है, खुद ही पूछते कि सुबह सुबह किसका थोबड़ा देखा था और खुद ही शट अप बोलते। शट अप! शट अप! अबे चिकनी, कौन है? पता नहीं भाई, कोई चिकना है। ए काजल भाई, बस क्या अपुन को पहचाना नहीं क्या? अरे अपुन गट्टू रे। इसकी जात को, ए हट बे। गट्टू तू कैसा है यार? अरे कैसा है तू? जकास, कितने सालों बाद मिल रहे हम लोग। बिल्कुल 12 साल बाद, 12 साल। बापू, ये अपुन का दोस्त है गट्टू, अपुन के साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। काजल, कहीं वही गट्टू तो नहीं जो चौथी क्लास में स्कूल में एग्जामिनेशन पेपर चोरी करने घुसा था और छत पर से क्लासरूम में गिरकर पकड़ा गया था? वही जय, तो इतने साल चिल्ड्रन रूम में था। नहीं नहीं, मेरे डैडी का दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो हम लोग शिफ्ट हो गए। दिल्ली? आप दिल्ली से आए हो, इसका मतलब आप शाहरुख जी के नगर से आए हो, इसलिए आप इतने हैंडसम हो। कहीं ये खाली खोपड़ी वाली वो स्वीटी तो नहीं? सही पहचाना गट्टू, मेरी खोपड़ी खाली है लेकिन मेरे दिल में प्यार का सागर उमड़ रहा है। क्या? अरे बेटा, ये तो ऐसे ही उठपटांग बकती रहती है। ये बताओ, तुम लोग फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए हो क्या? जी नहीं आंटी, मैं तो घर से भाग कर आया हूँ। अकेले अकेले? हाँ, क्यों? अरे तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का घर से भागने लगा तो उसके साथ कम से कम 10 लड़कियां तो भागनी ही चाहिए। बेटा तट्टू, बेटा गट्टू, तू घर से क्यों भागा? ए, इसे कहो कि अगर फिल्मों में हीरो बनने के लिए घर से भाग आया है तो घर लौट जाए, क्योंकि फिल्मों की हालत इतनी खराब है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर फिल्में छोड़कर टेलीविजन में आ रहे हैं। मेरे बाप के जालिम नेचर की वजह से मैं घर से भाग कर आया हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पाप नाम का पाप हमेशा इतना जालिम क्यों होता है? तेरी समझ में कभी नहीं आएगा। बेटे, तेरे बाप ने बोला होगा डिस्को में मत जाओ, काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ, बियर पी के दोपहर के 12 बजे तक सोते मत रहो, इसलिए बाप दानी हो गया है ना? हा? नहीं 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 अंकल, हा? वो तो मेरे साथ डिस्को में आते हैं, हम दोनों बाप बेटे साथ में मिलके बियर पीते हैं। और अंकल, जब वो खुद 1 बजे उठते हैं तो मेरे 12 बजे उठने पर वो क्या कंप्लेंट करेंगे? इसका बाप जरूर सरकारी अफसर होगा। तू चुप कर। क्या चुप कर? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं, तू बोल, तू बोल। क्या है, तेरा बाप तेरे लिए सब कुछ करता है फिर भी तुझे वो जालिम क्यों लगता है? अंकल, वो कहते हैं कि उन्होंने बचपन में मेरी शादी उनके किसी दोस्त की बेटी के साथ फिक्स कर दी। ओ, ओ, तो तुम्हारे डैडी को अपने बचपन में ही मालूम था कि उसका बेटा होगा? उनके बचपन में नहीं, मेरे बचपन। डैडी, क्या कुछ सीखो? क्या कुछ सीखो? इसके जालिम बाप से कुछ सीखो। इसके बाप ने इसकी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी और आपकी बेटियां माधुरी दीक्षित से भी बड़े लगने लग गई है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। बेटा गट्टू, तुम्हारे पिताजी ने अगर शादी तय की होगी तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी ना? हाँ आंटी, उनके सोचने या समझने से क्या होता है, जब मैंने लड़की को कभी देखा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, तो मैं उससे शादी क्यों करूं? बापो, अब उनके समझ में यह नहीं आता कि ये माँ बाप बच्चों की शादी बचपन में क्यों तय करते हैं। इसे दूर की सोच कहते हैं काजल, बच्चे बड़े होके हमारी तरह रखड़ नहीं जाए, इसके लिए माँ बाप उनकी शादी बचपन में ही तय कर देते हैं। मैंने तो अपने डैडी को साफ साफ कह दिया, डैडी क्या मैंने आपकी शादी में इंटरफेयर किया था? नहीं ना,
बस आप भी मेरी शादी में कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा हाँ और क्या, राह चलती लड़की से मैं शादी कर लूंगा पर उनकी जिद तो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। अच्छा आप कौन सी राह पर चलने वाली लड़की से शादी करेंगे? क्यों मैं उस राह पर चलना शुरू कर दूंगी। स्वीटी लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? देखो मेरा स्क्रू तो ऑलरेडी ढीला है और अगर ऊपर से मैं तुम्हारे साथ शादी करता हूँ तो अपनी आने वाली नस्ल तो एकदम अठन्नी कम होगी। ये क्या क्या तूने, अभी बेहोश होके गिर जाएगी। नहीं राधिका नहीं, I like his frankness और वैसे भी इससे शादी कौन करेगा? क्यों? अरे ये इतना हैंडसम है कि जो भी लड़की इससे शादी करेगी वो पूरी जिंदगी इनसिक्योर महसूस करेगी कि इसका पैर किसी के साथ चल रहा है कि नहीं, कोई चुड़ैल इस पे डोरे डाल रही है कि नहीं। इसे बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं। देखो बेटे तुम अपने बाप का फोन नंबर और एड्रेस मुझे देना ताकि मैं उनको फोन करके बता दूं कि गड्डू यहाँ पे। अरे अंकल क्यों मरवाते हो? नहीं गड्डू बोलने से कोई मरता नहीं है। अरे अंकल वैसे भी वो मुझे बुरी तरह से खोज रहे हैं। अच्छा अगर आपने मेरा पता ठिकाना उनको भिजवा दिया तो अंकल प्राइवेट डिटेक्टिव आकर मुझे उठाकर ले जाएंगे। अच्छा तुझे चाहे वो कर लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इन बलाओं से सावधान रहना। ठीक है बला, अबे बिना मैं ऑफिस में चलता हूँ। जाओ इन बलाओं पे जरा ध्यान रखना। देख गट्टू तेरे बाप की जिद का तो एक ही जवाब है। हाँ तू यार मेरे से बात किसी से भी शादी कर ले। क्या अगर तुझे दिल्ली में लेडी पॉलिटिशियन की कॉम्पिटिटर को खड़ा करना है तो इस मीनाक्षी आजाद से शादी कर ले। ए, चुप कर। अगर तुझे दिल्ली के आर्कियोलॉजिस्ट को खुश करना है तो ये राधिका से शादी कर ले, उनको एक नया खंडर मिल जाएगा रिसर्च करने के लिए। ए मुंह संभाल के बात कर। अगर तुझे दिल्ली में दादागिरी करनी है ना तो काजल भाई से शादी कर ले। ये सजेशन तो बहुत ही अच्छा है। क्या बोलती काजल, शादी करती क्या मुझसे? ए, हड़की है क्या तेरी? अब कौन से शादी करेगा? अरे नहीं नहीं यार मतलब मजाक कर रहा था यार। वैसे गट्टू स्वीटी का सजेशन अच्छा है, तू शादी कर ले तेरे बाप की ऑटोमेटिक हार हो जाएगी। ठीक है लेकिन मैं शादी करूँ तो किससे? अरे तू हमारे साथ मार्केट चल, वहाँ तुझे जो भी लड़की पसंद आए ना पॉइंट कर दे, हम तेरी से शादी करा देंगे। पक्का? पक्का। ए गट्टू गट्टू ये देख ये कैसी रहेगी? बहुत सावली है यार। महिला मुक्ति तक की सब लड़कियाँ तुम्हें दिखाई और तुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आई। अब वो परी कहाँ से लाए तेरी दुल्हन जिसे बनाए। ये रहा आपका पर्स। थैंक्स। अरे यार राधिका लगता है अपने यार की घंटी बज गई। आप लोगों को कुछ कुछ होता है? हाँ। यानी आप लोगों को प्यार हो गया है? मेरा नाम गट्टू है और मेरा नाम गौतम है। मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया है, मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मुझे भी आपसे पहली नजर में हो गया लेकिन शादी करना पॉसिबल नहीं है। क्यों बे, तुझे कैंसर है क्या? नहीं बचपन में मेरे डैडी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से जो फिक्स कर दी। मैं मर जाऊंगा पर अपने दोस्त को दी हुई जबान वापस नहीं लूंगा। ये प्यार करने वाली होती कौन है, इसकी प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे मिस्टर लल्ला प्यार पर किसी का जोर नहीं होता और प्यार करने के लिए हिम्मत की नहीं दिल की जरूरत होती है। देखिए आपने अगर आपकी बेटी की शादी इसके साथ नहीं की तो मैं 1000 महिलाओं का मोर्चा लेके आऊंगी आपके घर। हाँ और अपन अंडरवर्ल्ड को तेरा टिप दे देगा, हर रोज एक कंपनी आकर तेरे पास लाइफ टैक्स वसूल करेगी। हाँ और मैं अपने सन की प्रोफेसर को आपका एड्रेस दे दूंगी, वो हर रोज यहाँ के नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा। अरे यार ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इनकी बेटी को भगा कर ले जाता हूँ। नहीं नहीं ऐसा मत करना। ठीक है तो इन दोनों की शादी करवा दो। लेकिन ये है कौन, करता क्या है, मुझे पता भी तो लगे। यूं ही समझ लो कि ये लड़का है और आपकी बेटी से प्यार करता है। नहीं नहीं इसके फादर की अमेरिका में मोटल्स है। हाँ? मगर ये तो कहता था इसका बाप दिल्ली में। हाँ?
फादर की पार्टनरशिप भी है। रियली? क्यों? फाइव स्टार होटल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। ऐसी बात नहीं है, आखिर मैं बेटी का बाप हूँ, बेटी के सिक्योरिटी के बारे में सोचना भी तो मेरा फर्ज है। हाँ तो यूँ समझिए आपकी बेटी बिल्कुल सिक्योर्ड है। लेकिन मैं इसकी शादी धूमधाम से नहीं करा सकता। क्यों? भाई मेरा दोस्त बुरा मान जाएगा, शादी के बाद तो मैं कह दूंगा जैसे बड़ी भाग गई वैसे छोटी भाग गई। नो प्रॉब्लम, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए, शादी चाहे धूमधाम से करो या चोरी छुपे। तो फिर शादी पक्की। क्या बोलती काजल, शादी करती क्या मुझसे? क्या बोलती काजल, शादी करती क्या मुझसे? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ काजल, तू तो पसीने पसीने हो रही है। काजल तुझे तेरी बहनों की कसम, बताते तुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे यार, अरे गट्टू की शादी हो रही है। हाँ हम लोग अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। पता नहीं क्यों उसकी शादी हो रही है, ये अपन को अच्छा नहीं लग रहा। क्या? हाँ आज शाम को जब वो अपन के गले लगा तो एक अजीब सी फीलिंग हुई अपन को, बहुत सुकून महसूस हुआ। और ये सोच सोच कर कि अब वो गौतम ही का हो जाएगा, बहुत बहुत बेचैनी हो रही है। इसका मतलब है तेरे अंदर की औरत जाग उठी है काजल, तुझे गट्टू से प्यार हो गया है। क्या? हाँ। और हम अपने हाथों से अपनी बहन का प्यार उस लल्ला की लल्ली को सौंप आए, टूट वाली राधिका। हम काजल की खातिर उससे गट्टू को छीन लाएंगे। हाँ अब अगर गट्टू की शादी होगी ना तो सिर्फ काजल से, वरना वो जिंदगी भर कुवारा बैठा रहेगा।